पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इज़ामुल हक ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 के मुकाबले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक बड़ा आरोप लगाकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। इंजमाम ने भारत पर सेंट लूसिया में खेले गए मैच में गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, जिसे उस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 1992 के वनडे विश्व कप विजेता वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे इंजमाम ने आरोप लगाया है कि भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने दूसरे स्पेल में असामान्य मात्रा में रिवर्स स्विंग मिल रही थी, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ की थी, जबकि रिवर्स स्विंग आमतौर पर पुरानी गेंद के साथ होती है। इंजमाम ने सवाल उठाया कि टीम इंडिया टी20 मैच के दौरान इसे कैसे हासिल करने में कामयाब रही, जिसमें गेंद अपेक्षाकृत नई रहती है। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह ने 16वें ओवर में ही रिवर्स स्विंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आमतौर पर गेंद इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती है। इंजमामुल हक के साथ साथ सलीम मलिक ने भी कहा था कि अंपायरों को इस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए। इंजमाम ने आगे कहा था, अगर पाकिस्तानी गेंदबाज ऐसा करते तो हर तरफ हंगामा होता। हम जानते हैं कि गेंद को कैसे अच्छी तरह से रिवर्स स्विंग कराना है। अगर अर्शदीप 15वें ओवर में ही गेंद को रिवर्स स्विंग करा लेते हैं तो इसका मतलब है कि गेंद के साथ कुछ खास किया गया है। जसप्रीत बुमराह करते हैं तो वो समझ में आता है, क्योंकि उनका गेंदबाजी एक्शन ही वैसा है, लेकिन जब दूसरी गति या एक्शन वाले गेंदबाज ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि गेंद को किसी खास तरीके से तैयार किया गया है। अब गेंद के साथ छेड़छाड़ के आरोपों का भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाक दिग्गज को करारा जवाब दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़ने से पूर्व हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और पिच में बिल्कुल भी नमी नहीं है। अगर यहाँ गेंद रिवर्स स्विंग नहीं होगी तो कहाँ होगी? हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गेंद 12वें 15वें ओवर में ही रिवर्स स्विंग होने लगती है। यह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि सभी टीमों के साथ हो रहा है। कभी कभी लोगों को अपना दिमाग खोल कर सोच लेना चाहिए। अब रोहित शर्मा के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और इंजमामुल हक को लोग जमकर सोशल मीडिया पर निशाना भी बना रहे हैं। अब इस पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।